हेलो दोस्तों, तो चलिए आज फिर से बनाते हैं फटाफट ये टेस्टी और हेल्दी सी नाश्ते की रेसिपी। आपको बेहद पसंद आएगी। कम सामान में और बहुत ही चटपटी और मज़ेदार फटाफट बनने वाली ये नाश्ते की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, मेरी वीडियो को। तो आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, वो भी फटाफट कीजिए। तो चलिए बनाते हैं ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने ये आलू लिया है, एक आलू, और कुछ मैं इसमें सब्जियाँ ऐड करूँगी, यानी जो भी आपके पास सब्जी हो आप इस नाश्ते में ऐड करके बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनेगा और हेल्दी तो है ही है। तो चलिए एक बाउल ले लिया है और बाउल में हम आटा डाल देते हैं। यहाँ मैंने एक छोटी कटोरी, यानी आप चाहें तो एक कप भी ले सकते हैं, एक छोटी कटोरी आटा लिया है। हाफ कटोरी मैं बेसन ले रही हूँ। ये नाश्ता मैं आटा और बेसन से बना रही हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है दोस्तों और हेल्दी। तो दो पिंच मैं इसमें हल्दी डाल देती हूँ सिर्फ कलर के लिए, और ये कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, इससे टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आएगा। धनिया पाउडर डाल देते हैं हाफ चम्मच, और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला, और साथ ही साथ दो पिंच हींग डाल देते हैं, और बस इन चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे दोस्तों। तो इसमें कोई ज़्यादा अलग से मसालों की ज़रूरत नहीं होती, ये नॉर्मल मसाले जो हम घर पे यूज़ करते हैं ना, बस वही हैं। और थोड़ा थोड़ा सा हम पानी ऐड करके और इसका घोल बना लेते हैं, यानी हम अभी इसका बिल्कुल पतला घोल नहीं बनाएंगे, अभी टाइट ही रखेंगे, क्योंकि इसमें सब्जी जो हम कट करेंगे वो इसमें ऐड करेंगे। तो सब्जियों में काफ़ी सारा पानी होता है, तो नमक डालने के बाद वो काफ़ी सारा पानी छोड़ेंगी, तो अभी हमें इतना ही इसे पतला रखना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो सब्जियाँ मुझे ऐड करनी थी वो मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है खीरा, जिसे मैंने घिस लिया है, और यहाँ मैं खीरे को छिलके के साथ ही घिसा है। आप चाहें तो इसका छिलका उतार के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ गाजर ली है, तो यहाँ मैं थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में इसे बना रही हूँ दोस्तों। आप जैसा भी बनाना चाहें इसे घटा बढ़ा सकते हैं। दो हरी मिर्च कट करके डाल दी है, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च उसी हिसाब से इसमें ऐड करें। साथ ही साथ हमने इसमें एक टमाटर लिया था, तो आप इसमें सब्जियां आप अपने मन के अनुसार इसमें डाल सकते हैं, जो नहीं पसंद वो नहीं डालें। प्याज ली थी एक छोटी सी, और एक आलू जिसे मैंने घिस लिया था, और थोड़ा सा पानी में इसे धुल लिया है, और बस धनिया पत्ती डाल के इन चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी होने वाला है। अक्सर बच्चे सब्जियां नहीं खाते, इस तरह से नाश्ता अगर हम उन्हें बदल बदल के बना के देते हैं ना, तो उन्हें बहुत ही पसंद आता है, और साथ ही साथ वो सब्जियां भी खा लेते हैं। तो बस इस तरह से हमने इसमें सब्जियां काफ़ी सारी ऐड करके और इस तरह से मिक्स कर लिया है, तो ये बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनता है। और साथ ही साथ अब इसमें हम नमक डालेंगे। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और उसके बाद अब लास्ट में हम इसमें नमक डालेंगे। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अब जब नमक डाला है तो ये सब्जियां काफ़ी सारा पानी छोड़ेंगी, तो बस आप इसे इतना ही गाढ़ा रखें, नहीं तो हमें नाश्ता बनाते हुए दिक्कत हो गई, यानी ये नाश्ता है ना वो टूटने लगेगा। तो बस एक पैन रखेंगे, और उसमें हमने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। तो ऑयल आप अपना जो भी आप पसंद करते हो कुकिंग ऑयल, वो आप यूज़ इसमें कर सकते हैं नाश्ते में। और अब क्या करेंगे, ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, तवा गर्म हो जाए, तो अब इसमें हम नाश्ता इस तरह से फैला देते हैं। तो जैसा भी आप छोटा बड़ा जैसा पसंद करें आप इसे बना लें। लेकिन दोस्तों ये नाश्ता ज़्यादा पतला नहीं बनता, तो इस तरह से बस हल्का सा हम इसे दबा देंगे, यानी फैला लेंगे। थोड़ा सा मोटा ही रहता है, क्योंकि हमने इसे सब्जियां डाली है ना, तो ज़्यादा हम पतला करेंगे तो ये टूटने लगेगा। तो अच्छे से इस तरह से चारों तरफ से सिमटते हुए इसे इस तरह से सही कर देते हैं और ढक देंगे, तो ये अच्छे से ड्राई होने लगेगा ना, सिक जाएगा, उसके बाद हम इसे पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये पक चुका है, यानी ड्राई हो चुका है, तो अब इसे हम पलट लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी इसे बना सकता है। और जब भी कुछ गर्मी में ज़्यादा कुछ बनाने का दोस्तों मन नहीं करे, तो आप इसे फटाफट बना लीजिए, और सब्जी रोटी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे बड़े सभी शौक से खा लेंगे, और बनाने में बहुत ही आसान है। मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट में इसे फटाफट बना लीजिए, बच्चों को टिफ़िन में दे दीजिए, या हल्की सी कभी भूख लगी हो तो आप इसे बना सकते हैं।
तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार लग रहा है ना। तो बस इसी तरह से सभी को हम बना लेते हैं। तो आप मन के अनुसार इसमें सब्जियां ऐड कर दीजिए, या आप इसमें से सिर्फ प्याज और टमाटर के साथ भी इसे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो बस इस तरह से मैंने सभी को बना लिया है दोस्तों। तो आप इसे लंच बॉक्स में दें, या फिर आप इसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ले लें शाम की चाय के साथ, या कुछ भी ज़्यादा बनाने का मन ना करे तो आप इसे फटाफट बना लीजिए। बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और इजी तो बहुत ही ज़्यादा है, इसे कोई भी बना सकता है दोस्तों। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपने मेरा ये चैनल यानी दुर्गा द लाइफ को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, वो भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर से मिलूँगी दोस्तों ऐसी ही टेस्टी, हेल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी के साथ। थैंक यू।